टीकाकरण के तहत शुक्रवार को जिले के 121 बूथों पर दूसरे डोज के 1754 और पहले डोज के 1556 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया। प्रत्येक बूथ पर वैक्सीनेटर, सुरक्षाकर्मी व सत्यापन करने वालों की ड्यूटी लगाई गई थी। वैक्सीन व इमरजेंसी दवाओं की किट रखी गई थी। जिला अस्पताल में CDO इंद्रजीत सिंह, SDM सदर कुलदीप मीणा, SP क्राइम डॉक्टर MP सिंह सहित अन्य लोगों को टीका लगाया गया। टीकाकरण को लेकर लोग काफी उत्साहित दिखे। टीकाकरण के बाद लोगों ने जो फीडबैक दिया उसके अनुसार वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित और असरदार है। बूथों पर भीड़ उमड़ रही है, लोगों को आसानी से टीका लगाया जा सके। अस्पताल के जिम्मेदार प्रत्येक बूथों का निरीक्षण कर रहे हैं। टीका लगवाने के बाद लोगों को 30 मिनट ऑब्जर्वेशन कक्ष में बैठाया गया। शुक्रवार को टारगेट 12,000 के सापेक्ष 121 बूथों पर 10,282 लोगों को टीका लगाया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP क्राइम डॉक्टर MP सिंह, SDM सदर कुलदीप मीणा, CDO इंद्रजीत सिंह सहित अन्य लोगों ने कहा। अमलावती सिंह, गोरखपुर से, बिलंतपुर। ठीक है, आधा घंटा नहीं, कोई परेशानी नहीं है। इंद्राती देवी जी, ठीक से हुआ, बढ़िया से? हाँ, नहीं कोई परेशानी नहीं। रामबिजय सिंह, मैं कैसा महसूस हो रहा है आपको? हाँ, साल भर से तो हम घर में रहे, निकले नहीं घर से बाहर। अच्छा। अब चूँकि सरकार का नियम आया है तो हम लोग घर से बाहर अब आ करके सुई लगवा रहे हैं। कायदे से सुई लग गया, कोई हम लोग को दिक्कत नहीं हुआ। आज मैंने कोविशील्ड की दूसरी डोज लगवाई है, एक माह के उपरांत दूसरी डोज लगवाए हुए मुझे आधा घंटा हो गया है। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। मेरी गोरखपुर वासियों और आम जनमानस से ये अपेक्षा है कि जब भी उनका टर्न आए, बारी आए, तो वैक्सीन के लिए निसंकोच लगवाएँ। इसको लगवाने से कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि यह सेकेंड डोज है, इसलिए भी मैं और अच्छे से कह सकता हूँ कि इसको लगवाने से किसी प्रकार के स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं होती है। इसको बिना डर के, भय के, संकोच के सबको लगवाना चाहिए। हम सब मिलके कोरोना से लड़ेंगे, तभी मिलके कोरोना का भगा पाएंगे। कोरोना को भगाना है इसलिए वैक्सीन जरूर लगवाना है। थैंक यू। कोरोना एक जिस तरीके से हमने देखा था, एक समय पे बहुत ही आक्रामक रूप ले रखा था, और उसके बाद जब से वैक्सीन आई है, लास्ट मंथ मैंने फर्स्ट डोज कोवैक्सीन का लिया था, किसी तरीके के कोई साइड इफ़ेक्ट्स मुझे नहीं हुए, और आज मेरा सेकंड डोज था। इसमें भी मैं आश्वस्त हूँ, काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल का अरेंजमेंट है, और जिस तरीके से पिछली बार भी कुछ नहीं हुआ, किसी को भी किसी तरीके के कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है। सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जिस तरीके से हम प्रशासन के लोग आगे आ रहे हैं, वैसे ही सभी जनता जब भी उनका नंबर आए आगे आए और अपने समय पर डोज लगवाए। आम जनमानस से हम प्रशासन की तर्फ से यही अपील करना चाहते हैं कि सब सर्वप्रथम जितने भी एजेड लोग हैं उनको अपने अपने घर के अंदर से, एजेड को प्राइवेट या सरकारी, जिस भी तरीके की व्यवस्था आप लोगों के पास हो पाती है, आए और वैक्सीन ज़रूर ज़रूर लगवाएं, ताकि अपने परिवार को
को आप सुरक्षित कर सकें। जिला अस्पताल में आपने सब बिल्कुल नॉर्मल है और बिल्कुल सेफ है, और मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी सबसे जिसका भी नंबर है वो जरूर आके लगाए। प्राइवेट सेक्टर में भी अब ओपन हो चुका है, जिसको जहाँ कोवैक्सीन जो हमारी को इसकी वेबसाइट है उस पर रजिस्टर्ड होके और अपने क्रम से आके इसको लगाए। जनमानस को क्या संदेश देंगे? यही है कि किसी भी अफवाह या भ्रांति को ना विश्वास करें, ये बहुत ही साइंटिफिकली प्रूवन है और सरकार के द्वारा एक बहुत अच्छी पहल है, और कोरोना से लड़ने में वैक्सीनेशन और जो पुराने दूसरे हम प्रिकॉशन लेते आ रहे हैं अभी तक उसका दोनों को लेते रहें, इसी से कोरोना से हम लोग लड़ पाएंगे।